नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिन मैं एक वीडियो दिया था जिसमें बात करा जेएमआई और एएमयू 2023 सीयूटी से अपने आप को बाहर कर रहे हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस का, वहां भी इस बात की पुष्टि थी कि जेएमआई इस बार सीयूटी के 2023 में नहीं शामिल होने वाला है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। फिर मैं इसकी पुष्टि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करा इन लोगों का, तो वहां पे तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जो सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट है यानी cut.ac.in उस पर वाकई मुझे जेएमआई नहीं नजर आया। यानी अभी उस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में आप जाके चेक करोगे तो जेएमआई नहीं है, एएमयू है, लेकिन एएमयू के पूरे कोर्सेज नहीं है। खैर, एएमयू ने अपना जब आर्टिकल दिया था तो उसमें इस बात को मेंशन किया है कि वो सीयूटी से पूरी तरीके से बाहर नहीं होगा, वो अपने कुछ कोर्सेज को वहां पर रखेगा। लेकिन अभी मामला और गंभीर है, अब ये विवादों में आ चुका है, तो आइए थोड़ा सा इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम लोग देखते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे तमाम बातों को पता चले कि क्या वो पॉलिटिकल एजेंडा है या क्या वो रीजन है जिसकी वजह से जेएमआई अपने आप को बाहर कर रहा है और इस पर यूजीसी जो है चाप लगा रखी है कि नहीं, आपको सीयूटी में आना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ऑफिशियल नोटिस जो कि यूजीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला गया है और उन्होंने नाम लिख के लिखा हुआ है। यूजीसी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएमआई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी अपनाने के लिए पत्र लिखा है, लेटर लिखा है। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर दोहराया है कि अनिवार्य तौर पर सीयूईटी से दाखिले किए जाएं। यानी अब यूजीसी जो है, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि यूजीसी क्या है उसको समझ लो, क्योंकि यूजीसी जिस तरीके से लिख रहा है कोई पावर होगा ना। यूजीसी का मतलब यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती है, जो यूनिवर्सिटी की देखरेख होती है, यूनिवर्सिटीज के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं इंडिया में, उसी का ये बाप है। यानी ये है दादा और यूनिवर्सिटीज हो गए इसके बेटे या इसके पिता, समझ गया कि नहीं। मतलब एक पावधान यूनिवर्सिटी से नीचे आता है, ये सबका देखरेख करता है, सबको पैसे देना, उनका रूल्स बनाना, कैसे ऑपरेट कर रहा है यूनिवर्सिटी, किसके यहाँ डिपार्टमेंट फैकल्टी बनानी है, बिल्डिंग्स लेके एवरीथिंग जो है वो हमारा यूजीसी। यूजीसी के ऊपर कौन हो जाएगा, तो यूं समझ लो कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। तो यूजीसी ने अब इस बात का एकदम कन्फर्म क्या है, नोटिस दे दिया है कि नहीं, जेएमआई और एएमयू को अब आना ही पड़ेगा। खैर, अभी तक ये बस एक नोटिस है, जेएमआई ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जेएमआई इससे बचने के लिए माइनॉरिटी का सहारा ले रहा है, क्योंकि वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में आती है, मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी है वो। वैसे तो कई सारे और भी यूनिवर्सिटी फिर इस चीज़ के लिए दावा करेंगे, लेकिन जेएमआई और एएमयू स्पेशली अभी इस पे दावे पे खड़े हैं कि हम अपने आप को ऐड नहीं करेंगे। रीजन इन्होंने दिया है क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह गए हैं। रीजन समझ रहे हो कि नहीं, इस बात को नहीं समझोगे आप लोग, मैं समझाता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होना था 2020 में, लेकिन ठीक है, लागू होने में समय लगता है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने से 3 साल पीछे चल रही है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है काफी सालों से चर्चा में था। 2020 में लागू होने के साथ साथ इसको अब तक लाइट में आ जाना चाहिए, लेकिन जैसे अब बीएचयू की बात कर लो, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला स्टेप भी स्टार्ट नहीं हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 3 स्टेज में फॉलो होना था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ईयर वाइज या यू समझ लो कि सेमेस्टर वाइज। अभी तक बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। आप एक और यहां पे इन यूजीसी के चेयरमैन हैं एमजे कुमार जी, उनका ट्विटर अकाउंट जाके चेक करो, वहां पे आप जाके देखोगे कि उन्होंने कई सारे ट्वीट डाल रखे हैं। अब हम डुअल कोर्स ऐड कर रहे हैं, आप एक साथ 2 कोर्सेज कर सकोगे, हाफ में आप छोड़ देते हो प्रोग्राम तो आपको डिग्री दी जाएगी, आपको जॉब दिए जाएंगे, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो सभी बातें बस ट्विटर पर नजर आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे वर्क अभी नहीं कर रहा है। यही रीजन इन्होंने दिया है यानी जामिया मिलिया और एएमयू ने कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में देरी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी जो है वो एकेडमिक सेमेस्टर को पीछे कर दे रहा है, वो सही से एग्जाम सही टाइम से नहीं करा रहा है और जिसकी वजह से एकेडमिक टाइम से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी रीजन दिया है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के थ्रू नहीं रन कर पा रहे हैं, उसका एंट्रेंस नहीं हो पा रहा है, लाइक डिप्लोमा कोर्सेज। तो कई सारे रीजन दिए हैं जेएमआई ने, अब देखते हैं कि आगे जेएमआई जो है वो क्या करता है, यानी जेएमआई सीयूईटी में आता है कि अपने आप को बाहर रखता है। और एक पॉलिटिकल एजेंडा जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्या है पॉलिटिकल एजेंडा, तो वो पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि जेएमआई चाहता है कि उसके यहाँ वो एक फ्रेशनेस रहे, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में हमेशा से कुछ बहुत ही सेलेक्टिव लोग जाते हैं, जैसे कि अब जामिया से कौन पढ़ा है, शाहरुख खान, जेएम वहां का जो जैसे जर्नलिज्म जो डिपार्टमेंट है,
आप उसके बस बिल्डिंग देखो समझ जाओगे कि एक जस्ट जर्नलिज्म मास कॉम को इतना बड़ा बिल्डिंग दे रखा है, और उनके यहाँ आप देखे होगे कि आईएएस बहुत सारे निकलते हैं, उनका एक रेजिडेंस आईएएस एकेडमी जो है वहां से बहुत सारे टॉपर निकले हुए हैं, एक एक साल में उन्होंने कम से कम 10-10 सिलेक्शन दे दिए, किसी किसी साल गर्ल्स को भी उन्होंने सिलेक्शन दे रखे हैं। तो वो अपना एक इन्वायरमेंट जो है ना वो खोना नहीं चाहते हैं, मिक्स नहीं करना चाहते, अपना कल्चर मिक्स नहीं करना चाहते। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि अब ये रिटेन फॉर्म में नहीं देंगे कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हार्डकोर माइंड में ये चीजें हैं। जैसे कि अब सीयूटी जब आया था तो डीयू भी अपने आप को क्या कर रहा था, बाहर कर रहा था। रीजन क्या है, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरा इन्वायरमेंट ना बिगड़े, वो हमेशा टॉपर्स को पढ़ाते रहे। खैर वो बात गलत अलग है, गलत भी है अलग भी है कि 12वीं की बेसिस पे एडमिशन नहीं होना चाहिए। जब भी आप एडमिशन लो तो न्यू प्लेटफॉर्म के थ्रू एडमिशन लो, यानी न्यू एंट्रेंस लो और उसकी बेसिस पे क्वालिटी बेसिस पे आप वहां बच्चों का एडमिशन दो। खैर ये तमाम बातें हम लोग और वीडियोज में देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ध्यान देना कि जेएमआई एएमयू में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो करने लायक हैं, जेएमआई में तो वाकई कुछ कोर्सेज करने लायक हैं, चाहे वो सीयूटी में आता है चाहे अलग से कराता है, उन कोर्सेज के लिए आपको फॉर्म डालना है, मैं आपको बताऊंगा उसका प्रोसीजर, उसको फॉलो करिएगा ठीक है। और बीच पाठशाला का हर एक वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हर कोई सब्सक्राइब करेगा। मैं पहले नहीं बोलता था लेकिन अब मैं बोलता हूं, क्योंकि पाठशाला फैमिली को 100 के ले जाना है इसी सेमेस्टर में, तो आप लोग इस परिवार का हिस्सा बने, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।